देखो, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स, हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे, ठीक। जो हमारा नया टॉपिक वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हेडिंग डाल लें। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में क्या होता है, देखो, अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है, कोई भी क्या है, एल्कीन, और अगर तुम उसको रिएक्ट कराते हो हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सीसीएल, हेलोजन के साथ रिएक्ट कराना है इन प्रेजेंस ऑफ, तो तुम्हें क्या मिलते हैं, विसिनल डायहलाइड्स। क्या मिलते हैं, विसिनल डायहलाइड्स। कहने का मतलब, अगर तुम कभी भी कोई एल्कीन लेते हो और एल्कीन को रिएक्ट कराते हो किसी हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है और दोनों कार्बन पे हेलोजन लग जाते हैं, ठीक। तो करना क्या है बेसिकली, इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना है किसमें, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल, डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देना है, सिंगल बॉन्ड में, एंड दोनों ही कार्बन्स पे क्या लगा देना है, हेलोजन। एक्स इज अटैच ऑन एवरी कार्बन, सिंपल सी रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अगर तुम एक एल्कीन लेते हो, एल्कीन को किससे रिएक्ट कराते हो, हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो तुम्हें विसिनल डायहलाइड मिलते हैं। विसिनल मतलब पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे क्या लग जाता है, हेलोजन। विसिनल क्या होता है, जब एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगा हो, हेलोजन, पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे हेलोजन लगा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डायहलाइड। तो हमने एक एल्कीन लिया, एल्कीन को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड पे, एंड दोनों ही कार्बन पे क्या लग जाते हैं, हेलोजेंस लग जाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ, यहाँ पे CCl4 जस्ट एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है और कुछ नहीं, यहाँ पे CCl4 किसका काम कर रहा है, एक सॉल्वेंट का। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसका कोई मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अगर हम इथीन लेते हैं, क्या लेते हैं, इथीन, इसको मान लो मैं Cl2 से रिएक्ट कराता हूँ प्रेजेंस ऑफ, तो बस डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देना है, और दोनों ही कार्बन पे क्या लगा देना है, क्लोरीन। कोई डाउट, तो क्या प्रोडक्ट मिला, 1.2 डाई क्लोरो इथेन। क्लियर, कर ले नोट, सिंपल सा रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। अगर तुम कोई भी हेलोजन ले, एल्कीन लेते हो, उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज ए सॉल्वेंट। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और दोनों ही कार्बन्स पे क्या आ जाएंगे, हेलोजन। सिंपल, क्लियर, कोई भी डाउट। ठीक, आगे करते हैं, मैं तुम्हें एक रिएक्शन दे रहा हूं, ये नोट कर लिया। अगर मैं इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या रिएक्शन होगी, बीआर बेसिकली अभी अभी रिएक्शन करिए, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में,
डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, और जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे दोनों ही कार्बन पे क्या लगा देना है, क्लियर? तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1.2 डाइब्रोमो प्रोपेन। रवि क्या कर रहे हो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि मौज मस्ती करनी है। 1.2 डाइब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, हमने कैल्केन्स में भी हैलोजिनेशन की थी, तो यहाँ पे एक उसका भी एग्जांपल कर लेते हैं दोनों में। इसका आंसर हमें कौन बताएगा, साक्षी इसका आंसर करोगी? क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर? देखो 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 देखो, इसमें हैलोजिनेशन इन सनलाइट। सनलाइट में हमने क्या पढ़ा था कि sp3 कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, हैलोजन। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक हैलोजिनेशन हमने एल्कीन्स में पढ़ी, एल्कीन्स वाले में क्या देखने को मिलेगा, CCl। और एक हमने एल्कीन्स में पढ़ी थी, उसमें हमने क्या यूज किया था, सनलाइट या एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर sp3 कार्बन तो सिर्फ यही है, तो सिर्फ sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है किससे, हैलोजन। डबल बॉन्ड पे रिएक्शंस नहीं होते, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक अभी हम एल्कीन्स की कर रहे हैं, एल्कीन्स वाले में क्या है, हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 अगर दिखेगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी। एक रिएक्शन हमने हैलोजिनेशन की थी एल्केन्स के अंदर, उसके अंदर हमने ये कहा था कि sp3 कार्बन पे जो आपका हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस बाय हैलोजन। कोई भी दिक्कत, पक्का सिंपल है, कर ले नोट, आसान है, क्यों मैं ध्रुव? क्लियर नोट? निखिल तुम्हें कोई दिक्कत, समझ आ रहे हैं? यस सर, आ रहा है समझ। ठीक, इस टीवी के पास फटी फटी सी आती है। अरे दरवाजा बंद करना था ना, मैं बंद नहीं करके आया, बंद करके आया, मुझे ये था कि कोई खटखटाता रह जाए बेचारा, फिर वहां पे तो सुनता ही नहीं है ना, हम दरवाजा बंद करके आते हैं काम शुरू करने से पहले। अब चार का रूप नहीं आया तो अब क्या कर सकते हैं। डर रहा है तुम्हारे फेस का, होता है पहले ये डर रहा था कि शायद मैं आज अकेला ही घूम गया, कोई नहीं आएगा। अगर तुम लोग इक्वल मेजोरिटी भी रखते हैं ना तो मैं 100% ऑनलाइन रखता। अब मैं क्या करता, मुझे मुझे उम्मीद थी कि या तो अगर वोटिंग होगी तो इक्वल सी होगी लगभग लगभग ऑलमोस्ट, तो फाइनल डिसीजन तो मेरा ही माना जाएगा, लेकिन जब वोटिंग का डिसीजन ही कुछ और आया तो मैं क्या करता फिर उसके से। नहीं नहीं वोटिंग ठीक रहती है, ये पोलिंग वाला ऑप्शन ठीक रहता है। अगली बार मैं ऐसा करूंगा कि किसी को दिखे ना, बस आप अपना अपना ऑप्शन क्लिक करें एंड में जब मैं फाइनलाइज रिजल्ट करूं तब दिखे, ताकि मैं आगे पीछे कर पाऊं चीजों को। चलो आगे समझे समझे, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म है, हेडिंग डालें फिजिक्स। नहीं, एक और रिएक्शन रहती है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, पहले ये खत्म कर लें। पॉलीमराइजेशन ऑफ
एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर इससे पहले कुछ कराया था क्या? नहीं नहीं बस अभी शुरू किया है। ओके सर। ओके पॉलीमर क्या होता है कुछ आइडिया? देखो एक होता है यहाँ पे मोनोमर, एक होता है पॉलीमर, दो चीजें हैं। एक होता है मोनोमर और एक क्या होता है, बायो वाले ने तो पढ़ा ही होगा है ना, एक होता है मोनोमर एक होता है पॉलीमर। मोनोमर क्या होता है बेसिकली, जैसे ईंट है, ईंट को हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमर। अगर हम ईंट को जोड़ते जाएं, एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जोड़ते जाएं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। जो दीवार खड़ी हो गई वो अपने लिए क्या हो गया, मतलब एक चीज को बार बार रिपीट करते जाओ थ्री डायमेंशंस में, तो तुम्हें एक चीज मिल जाएगी बड़ी चीज, जो क्या होगा, पॉलीमर। बड़ी चीज जो है वो पॉलीमर है, जो छोटी सी चीज है वो क्या है, मोनोमर। जो रिपीट हो रही है बार बार उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। जो रिपीट होने के बाद एक स्ट्रक्चर मिल गया है बड़ा सा, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमर का एग्जांपल आ सकता है। ये एग्जांपल समझने के लिए पेपर में मत लिख देना, नंबर नहीं मिलेंगे। मोनोमर नहीं वैसे बता रहा हूँ, मोनोमर क्या होता है, जैसे एक ब्रिक है, ब्रिक तुम्हारा एग्जांपल होगा किसका, मोनोमर का। जो इससे जोड़ जोड़ के दीवार बन गई वो क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, मोनोमर क्या है, बेसिक रिपीटिंग यूनिट। मोनोमर क्या होता है, बेसिक रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, मोनोमर क्या होता है, बेसिक रिपीटिंग यूनिट। और पॉलीमर क्या होता, पॉलीमर होता है कि अगर हम अपने मोनोमर को रिपीट करते जाएं, ठीक है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर। जब हम बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स को एक साथ जोड़ देते हैं, अ बिग स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन। अ बिग स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन नोन एज पॉलीमर। ठीक है, सिंपल सा है, पॉलीमर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। पॉलीमराइजेशन में दो चीजें हैं, एक है मोनोमर एक है पॉलीमर। मोनोमर क्या है, तो छोटा सा हिस्सा जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे ईंट को बार बार रिपीट करें, तो ईंट क्या है अपने लिए, एग्जाम्पल ही था, जैसे ईंट है, ईंट को बार बार जोड़ते जाओ, एक एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते जाओ साइड में दाएं बाएं, तो एक दीवार खड़ी हो जाती है। तो जो दीवार खड़ी हो गई वो अपने लिए क्या है, पॉलीमर। लेकिन जिसको हमने बार बार रिपीट किया उसको क्या हम बोलते हैं, मोनोमर। तो मोनोमर क्या है, बेसिक रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर क्या है, जब हमने बेसिक रिपीटिंग यूनिट को बार बार एक साथ जोड़ते गए, तो जो बड़ा सा स्ट्रक्चर मिला उसको हमने क्या नाम दे दिया है, पॉलीमर। कोई भी दिक्कत, सिंपल सा है, मोनोमर एंड पॉलीमर क्लियर? ज्योतिका, साक्षी, आदित्य, धवन, निखिल, क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक, शार्दुल तुम्हें क्लियर है? यस सर, चलो अब इसकी इसको अल्कीन्स में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें केमिकली एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, मान लो तुम्हें केमिस्ट्री के हिसाब से एग्जाम्पल देना पड़ गया। जैसे हमारा पॉलिथीन होता है, पॉलिथीन एक पॉलीमर है। पॉलिथीन क्या होता है, एक पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय रेपिटेशन ऑफ इथीन। जब हम बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को जोड़ते जाते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, पॉलीथीन।
कभी सोचा है कि पॉलिथीन का नाम ऐसे पड़ा होगा? पॉलिथीन, पॉली मतलब बहुत सारे, क्या बहुत सारे, इथीन, तो पॉलिथीन। ध्रुव सोच रहा है कि क्या हो गया था। ठीक है, पॉलिथीन मतलब बहुत सारे इथीन यूनिट्स को जोड़ जोड़ के बनाई गई एक चीज। पॉलिथीन जो हम बैन आजकल, वो यही तो है। ठीक, अब इसका तुम्हें रिएक्शन आना चाहिए। देखो, हमने इथीन लिया, हमने क्या लिया, इथीन। थोड़ा इसको ध्यान से समझें, ऐसे समझ नहीं आती है। तुमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। हेलो, हाँ जी मैम, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेशन ऑफ इथीन। अब तुमने इसका केमिकल रिएक्शन कैसे शो करना है, ये थोड़ा ध्यान से समझो। इथीन लिया हमने, तुमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ध्यान से सुनना, ऐसे समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वहां पे एक ऐसे ऐसे बॉन्ड सा दिखा। ठीक, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। जिन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड था डबल बॉन्ड, उनको ऐसे ऐसे सिंगल बॉन्ड दिखा दो एक, फिर उसको डाल दो ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट इस तरीके से लगानी है कि ये जो नया बॉन्ड हमने लगाया है ये थोड़ा सा बाहर रहे, थोड़ा सा अंदर रहे। ये क्या बता रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो बॉन्ड है ये क्या बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी बार बार रिपीट हो। ठीक है, और हमने मान लो n यूनिट्स को रिपीट किया, n यूनिट्स को मिला के क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर। तो ये इथीन है, बंद कर लो भाई, पहले बाहर जा भी सकते, ये इथीन है और ये क्या है, पॉलीथीन। क्लियर, सिंपल सा है, दोबारा से सुने। अगर तुम्हें कोई भी पॉलीमर बनाना है, तुम्हें डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, डबल बॉन्ड की जगह क्या बनाना है, डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की जगह क्या करना है, सिंगल बॉन्ड। जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वहां पे क्या बना देना है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के साथ में ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट इस तरीके से लगाना है कि थोड़ा सा बॉन्ड बाहर रहे, थोड़ा सा बॉन्ड, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देना है, एन। मतलब ये रिपीट हो के क्या बन गया है, पॉलीथीन बन गया है। कोई दिक्कत, समझ आया? कर ले नोट, ये भी अंदर कोई दबा था, करें आगे। चलो समझते हैं आगे, किसी को कोई डाउट, ये चीज समझ आई सबको, किसी को भी कोई दिक्कत? तो मैं कौन सा 15 तुम्हें यहाँ बुलाता हूँ, सबको थोड़ा यहाँ बुलाता हूँ। तुम स्पेशल स्टूडेंट हो, जिसे मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को अलाउ नहीं करता। तो मैं बताया ना, अक्षर वगैरह पूछ पूछ के थक गए कि सर हम आ जाए, मैं मना कर देता हूँ, कोई नहीं आएगा।
सर मम्मी ने खुद मना करा था कि है ना हमारे फिजिक्स की क्लास में लगा दियो, केमिस्ट्री के टाइम पे केमिस्ट्री के बाद में रिवाइज कर लियो। बाद में सर ऑनलाइन क्लास को सामने से सर मना कर दिया कि है ना मैंने तो काम नहीं किया, मतलब केमिस्ट्री क्लास में। अभी बात कर लेते हैं। चलो देखो जैसे धोखा दे गए मान लो प्रोपीन है, प्रोपीन का पॉलीमर बताओगे क्या बनेगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। yes. प्रोपीन का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बताएगा कोई? चलो देखो डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वहां पे एक सिंगल बॉन्ड शो कर दिया और इसको डाल दिया किसके अंदर, इसको डाल दिया ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट इस तरीके से लगाया कि जो हमने नया सिंगल बॉन्ड लगाया है वो थोड़ा सा बाहर रहे थोड़ा सा, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया एन, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया एन। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ था, तो इस कार्बन के साथ हम नीचे की तरफ क्या लगा देते हैं, सीएच3 लगा देते हैं। समझ आया ये नहीं? तो ये प्रोपीन था तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन। समझ आया इसको? दोबारा समझ ले, डबल बॉन्ड की जगह हमने क्या किया सिंगल बॉन्ड, जहां जहां कार्बन पे डबल बॉन्ड था वहां वहां हमने एक नया सिंगल बॉन्ड लगाया और ब्रैकेट में डाल दिया, और ब्रैकेट इस तरीके से लगाया है कि भाई जो नया बॉन्ड है वो थोड़ा सा बाहर रहे थोड़ा सा अंदर रहे। अब इस कार्बन पे CH3 लगा हुआ था तो हमने CH3 को थोड़ा नीचे की तरफ करके लगा दिया है, कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? इसका पॉलीमर बनाए फटाफट, इसका पॉलीमर बनाए। और कौन कौन से कराने हैं, कैसे कराने हैं? इसको हम बोलते हैं स्टाइरीन, क्या बोलते हैं स्टाइरीन, कॉमन नेम स्टाइरीन, STYREN स्टाइरीन। देखो डबल बॉन्ड की जगह क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड, और जहां डबल बॉन्ड था वहां पे क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड, और फिर ब्रैकेट में डाल देना है इसको। ब्रैकेट इस तरीके से लगाना है कि थोड़ा सा बॉन्ड बाहर रहे थोड़ा सा बॉन्ड, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देना है एन। अभी जो C6H5 है इसको थोड़ा नीचे को करके लगा देता हूं, तो ये बन जाता है पॉलीस्टाइरीन। ये कल के मेंस के पेपर में था, व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ पॉलीस्टाइरीन, और स्टाइरीन नहीं दिया हुआ था ऑप्शन में, स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे बेसिकली, बच्चों को स्ट्रक्चर याद रखना था दिमाग में, अगर किसी का स्ट्रक्चर था तो स्टाइरीन है, प्लस 2 में है मतलब कॉमन यूज होता है, प्लस 2 में पॉलीमर्स का एक अलग से चैप्टर आया है, आप लिस्ट याद कर मतलब एनसीईआरटी प्लस 2 में एक अलग से चैप्टर आएगा पॉलीमर्स। मैंने देखा जैसे कॉमन यूज है सारे एनसीईआरटी, मैं तुम्हें एंड में एक लिस्ट दे दूंगा पूरे प्लस 2 के बाद, इस साल भी दिया मेरे बच्चों को, हर एक नेम रिएक्शन हर एक कॉमन नेम उसमें होगा, लेकिन वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है तो तुम्हें याद करना, तो अब उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इस बार पॉलीमर की सारी लिस्ट दी है, पॉलीमर की लिस्ट दिया तकरीबन 20-25 पॉलीमर है, 20 के आसपास पॉलीमर है, उससे बाहर अभी तक जितने ही मेंस हुए एक भी क्वेश्चन नहीं मारे। मोनोमेरिक यूनिट पूछते हैं बस उसका स्ट्रक्चर ही याद करना है, मतलब तुम्हारी ऊपर है ना कि कितना तुम लोग याद कर पाओगे। मैं तो क्या कर सकता हूँ तुम लोगों को इजी वे ऑफ में, जितने भी पॉलीमर बन सकते हैं उसके एक लिस्ट बना के दे सकता है। करें नोट ऑनलाइन में, क्लियर है सबको? निखिल क्लियर? यस सर। लवन, ज्योतिका, साक्षी, आदित्य, यस सर। कार्तिक भी नहीं है, ठीक है मैंने भी बोल दिया था और क्या कह सकता हूँ।
आजकल तो वो बीमार है, कहीं नहीं जा रहा सर। जिनके लिए सर सही से डालो सर, बात बात हुई क्या हुआ? मैं दिखाऊंगा बात हुई से। मेरी बात नहीं, मैम की बात है, मेरी बात। सर तो आपको पता ही होगा। मैं करूंगा एक दिन, मैं अपने तरीके से बात करूं। सर मैं आपकी क्लास कैंसिल ही करा के आ रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स मैंने पूछा था, मैं क्या जानते हो? कह रहा हाँ, कह रहा उसके टप्पर से ऊपर पड़ते रहते। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन सर उसको बचाया हो जाता। चलो देखो पहली सर वो भी सर सर भी मैं ये लग गया आपने जब क्या सर तो ये भी बोल के तो पिता ने स्कूल गया। अच्छा बस ठीक। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तुम लोग गए जो 15 का गैंग सा बना रहे, ये सब खत्म कर दे। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ही होते हैं। एल्कीन्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ही तो है। एल्कीन में भी तो क्या है, सिर्फ और कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन होता ही कैसा है? नॉन पोलर होता है। तो एल्कीन्स आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर ये नॉन पोलर है और हमें पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसे हमने एल्कीन्स में किया था सेम वही, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एल्कीन्स कैसे हैं? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स और लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं या जो एल्कीन्स हैं विल बी इनसॉल्युबल इन वॉटर, या कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। क्यों? क्योंकि इनका नेचर मैच नहीं करता। एल्कीन्स कैसे हैं? नॉन पोलर। वाटर कैसा है? पोलर। तो जब नेचर ही मैच नहीं करेगा तो ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जो एल्कीन्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने के कारण वाटर के अंदर तो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। बट दे आर सॉल्युबल इन, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये क्या होते हैं? सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कैसे होते हैं? नॉन पोलर। तो नेचर मैच हो जाता है, नेचर मैच हो जाता है तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अगेन वही एक दो एग्जांपल याद रखें, बेंजीन, हेक्सेन, CCl4, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। सिंपली नोट कर लें, क्लियर? पहला पॉइंट तो बिल्कुल सिमिलर ही है एल्केन्स के जैसा। एल्केन्स भी नॉन पोलर थे, ये भी कैसे हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, और ये डिसॉल्व किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन, हेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एसिड। सॉरी ऑनलाइन क्लास में होंगे, साथ ही चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी सर। प्लेलिस्ट में आपने बेनी की रिकॉर्डिंग दी थी जहां हमारे सर का आपने अगर बजाने जाने आगे पीछे का मतलब प्लेलिस्ट के कौन सा सीखा था?
सर जैसे हर क्लास के हर क्लास का पहले टॉपिक प्लेलिस्ट जो रात मेरी अलग से क्लास होती है उसका सीक्वेंस कुछ और है, तुम लोगों को जो मैं करा रहा हूँ उसका सीक्वेंस कुछ और है। हर एक का सीक्वेंस मैं डिसाइड कर और हर एक का सीक्वेंस डिसाइड करने के सोचो कि कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, तभी मैं कह रहा हूँ मैं सब जगह लिखा हुआ है कौन सा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। मुझे ये बता दो कि मुझे ये टॉपिक समझ ना तो मैं बता दूँ ठीक है आगे करते हैं। ये चीज क्लियर लिख रही हो अभी लास्ट में देखो सबसे पहला बोर्ड उसने कहा था कौन चलो आगे करते हैं। सर मतलब फिर हम स्टेप बाय करेंगे नॉर्मल लिखेंगे। क्या सर अगला है बॉइलिंग पॉइंट सेकंड प्रॉपर्टी बॉइलिंग। देखो बॉइलिंग पॉइंट भी हमने एल्केन्स में जैसे किया था सीन वैसे ही यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि जो एल्कीन्स होते हैं ये होते कैसे हैं। एल्कीन्स आर नॉन पोलर, कम से कम दरवाजा खटकाता तो सही ना पता चल जाता आवाज नहीं आती तभी तो यहाँ पे लगाई है क्लास आगे आवाज आ जाए। एल्कीन्स आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स, नॉन पोलर है तो इसमें फोर्सेस कैसी होंगी वीक। एल्कीन्स आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स हेंस दे हैव, अरे मैं बच्चों की बात कैसे टाल सकता हूँ, बच्चे ने कहा था कि कुछ भी आ सकता है तो कुछ ना कुछ तो रखना था। आपने पिछले एल्कीन्स आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन सिंस दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो एल्कीन्स हैं बच्चे एल्कीन्स कैसे होते हैं नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन, बस बातें बंद। नॉन पोलर है तो उसकी जो फोर्सेस हैं वो कैसी होती हैं वीक, और इन वीक वेंडर वॉल वीक फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। जैसे हमने एल्कीन्स में किया था सेम वही चीजें लिख रहे हैं दोबारा से कि एल्कीन्स भी क्या है नॉन पोलर, नॉन पोलर है तो इसमें भी जो फोर्सेज होंगी वो कैसी होंगी वीक, अगर फोर्सेज वीक होंगी तो इसमें भी कैसा रहेगा वेंडर वॉल। एल्कीन्स आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन सिंस दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उन वीक फोर्सेस को हमने क्या नाम दे दिया है वैन डर वाल फोर्सेस। सिंस फोर्सेस आर वीक, सिंस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं वीक, hence boiling point of alkenes will be very low. Clear? Alkenes कैसे हैं non-polar hydrocarbon, since they have weak intermolecular forces weak है उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है कम होता है। सिंपल करें नोट करें कर लिया नोट। अब इसके अंदर फर्स्ट सब हेडिंग डालें मतलब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वैन डर वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, या ऐसे कर लो
boiling point is directly proportional to van der Waals forces, which is directly proportional to mass. जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वैन डर वाल फोर्सेस के. और वैन डर वाल फोर्सेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मास के. जैसे मान लो एक बार तुम्हें इथीन दे दिया जाए, एक बार तुम्हें C4H8 दे दिया जाए, और तुम्हें एक बार कहा जाए कि C6H12 है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मास बढ़ रहा है. मास बढ़ने से वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ रही हैं, और अगर वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ रही हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा होगा. कोई डाउट? सिंपल सा है, जैसे हम पहले कर रहे थे कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ रही हैं, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है. कोई दिक्कत? अरे तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. किसी और से पूछते हैं. किससे पूछे? लवन से पूछे. चलो ठीक है लवन, तुम्हारी बारी. ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल. और सुवन निकल शर्मा. लवन. यस सर. किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? लवन, नीचे दो कंपाउंड दिए गए हैं, कंपाउंड नंबर वन, कंपाउंड नंबर टू. मेरे ख्याल से दोनों का मास तो सेम है, मानते हो या नहीं? दोनों में चार चार कार्बन है, आठ आठ हाइड्रोजन है, तो दोनों का मास तो सेम. तो अगर मास सेम है तो अब कैसे करा जाए? मतलब अगर आइसोमेरिक एल्कीन्स आ जाएं तो कैसे कंपेयर करना है? ज्योति का तुम्हारी बारी. सर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो सेकंड वाला ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. हाँ हाँ बोलो. क्यों? मैं फिर सही तो कह रहा हूँ. ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी इनवर्स क्यों होता है? सर इसका कारण तुमने लिखा हुआ है लेकिन तुम्हें मतलब ही नहीं समझ आ रहा कि वो सिंबल किस चीज का है. डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है. चलो समझे, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करने का टाइम है. एक हम HCl ले लेते हैं, ठीक है. HCl के अंदर हमने ये पढ़ा था कोवलेंट बॉन्डिंग में कि भाई क्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. क्लोरीन क्या होता है? ज्यादा. तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शियल, और फिर एक डायपोल बन जाता है. बन जाता है या नहीं? और डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अगर इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल्स हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कहने का मतलब यह है कि एक डायपोल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायपोल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ऐसे याद है सबको? ठीक है. और हमने एक और स्टेटमेंट यूज की हुई है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव. परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अगर हम sp3 की बात करें, एक sp3 कार्बन है. sp3 कार्बन मतलब चारों के चारों बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल. फिर एक अपने पास sp2 कार्बन है. sp2 कार्बन मतलब एक डबल बॉन्ड और बाकी के दो सिग्मा. और एक अपने पास है sp हाइब्रिड कार्बन. sp हाइब्रिड कार्बन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड. बेसिक स्ट्रक्चर यही बन सकता है. मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आते हैं कि मल्टीपल सिंगल पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं. अगर ये sp हाइब्रिड कार्बन है तो इसका s करेक्टर कितना होगा? 25%.
भाई एक एस है टोटल कितना है चार, तो 1/4 कितना हो गया 25% हो गया। sp2 एक हिस्सा s के पास है, दो हिस्से किसके पास है p के पास, तो कितना परसेंट s करेक्टर आ गया 33.3% s करेक्टर। sp में दो हिस्से हैं, एक s के पास है और एक 50% s करेक्टर। ये पॉइंट्स क्लियर सबको? yes. कोई भी दिक्कत? आदित्य, साक्षी, ज्योतिका, रवन, निखिल? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक sp वाला जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 वाला जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और sp3 वाला जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। सिंपल सा है, HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है, इट इज अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड, है ना, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एक डायपोल जनरेट हो जाता है। डायपोल जनरेट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम हाइड्रोकार्बन्स में कैसे अप्लाई करेंगे, यूजिंग दिस की परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp3 कार्बन में 25% एस करेक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। sp2 वाले में 33.3% एस करेक्टर होता है, अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है, एंड sp वाले में तो बहुत ज्यादा एस करेक्टर हो गया, तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो हमारे पास एक CH3 है, हमारे पास क्या है, एक CH3 है, एंड ये CH3 जुड़ा हुआ है किसी इस तरीके के कंपाउंड से, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp3, ये वाला कार्बन कैसा है, और ये वाला कार्बन कैसा है, sp2, मतलब इसके अंदर 25% s करेक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये वाला कार्बन कैसा है, ज्यादा जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे के ऊपर पार्शियल, तो यहाँ पे भी एक डायपोल जनरेट हो सकता है। क्लियर या नहीं? अगर अपने पास एक sp3 वाला कार्बन है और एक sp2 वाला कार्बन है, कंपैरेटिवली sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, अगर sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, दूसरे के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल, तो एक डायपोल जनरेट हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले यहां तक नोट करें, डायपोल तो अंदर ही नहीं होता है, एक उसके मॉलिक्यूल के अंदर, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं हो सकता डायपोल, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। अच्छा, हाइड्रोजन करें नोट, पहले डायपोल वाला फिनोमेना नोट करें, फिर आइसोमेरिक एल्कीन्स पे लिखेंगे दोबारा से। ध्रुव समझ आ गया पक्का, कोई डाउट तुम्हें, प्रियांशु, आस्था, मानवी, क्लियर, शार्दुल, सौरभ, रवि, क्लियर? यस सर, क्लियर सर, क्लियर, निखिल, लवन? यस सर, क्लियर, यस सर, साक्षी, ज्योतिका, क्लियर? यस सर, 15 वाली तो है सारे मेनली, क्या बैठ के तुम वहां पे क्या करते हो, निखिल को अंदर ही वहीं पे, वहीं पे तो आता है, अच्छा मोटा सा, हां सर, वो जैसे अभी तेरी तरह स्पीकर वाले, तुम बचोगे नहीं लग रहा है, ये तुम ऐसे देख रहे हो, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मेरा लेकिन तो सही हो रहा है, मैंने तो आ रहा करें करें नोट करें।
कर लिया ही नोट, करें आगे। नहीं नहीं तुम्हें उस समय मैंने तुम लोगों को कहा था ना एक दिन पार्टी में आना, मैंने पार्टी रखी थी उस टाइम, तब इनको मैं बुला, अगर मैं बुलाता है लेकिन तभी देखते हैं उन सबको, उनका मतलब मतलब वैसे ही है, मतलब वैसे भी फेस से बात हो जाता है कि नहीं नहीं गुंडे टाइप के नहीं है, दाढ़ी बस थोड़ी बड़ी बड़ी है, बाल बाल थोड़े लंबे हैं ज्यादा। पहले पहले जो पहले था, अब तुम लोगों पे अप्लाई हो रहा है, तुम लोग पढ़ रहे हो ना। चलो आगे करते हैं, हम इसमें अप्लाई करते हैं आइसोमेरिक एल्कीन्स के अंदर। ध्यान से सुनना कि आइसोमेरिक एल्कीन में कैसे कंपैरिजन करना है। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये कार्बन कैसा है? sp3। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो ये कैसा है? ये वाला कार्बन कैसा है? डबल बॉन्डेड। तो ये कार्बन कैसा है? sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। कोई डाउट? तो इसका डायपोल मोमेंट कहां से कहां बनेगा? पॉजिटिव से सेम राइट साइड नेगेटिव की तरफ। कोई दिक्कत? सिमिलरली ये sp3 कार्बन है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर पार्शियल ऐसा कुछ। दोनों डायपोल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये कैंसल आउट नहीं करेंगे। ये भी नीचे को जा रहा है, ये भी, तो ये कैंसल आउट कभी भी नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? तो यही काम हम ट्रांस में चेक कर लेते हैं एक बार। ये वाला कार्बन sp3 है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड वाले के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये sp3 है तो पार्शियल पॉजिटिव, ये sp2 है तो पार्शियल नेगेटिव। डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। थोड़ा ध्यान से देखें, एक डायपोल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक डायपोल, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सेम एटम्स के बीच है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। कोई डाउट? तो बेसिकली यहां पे डायपोल मूवमेंट की बात उठ जाती है कि ये सिस आइसोमर है और ये क्या है? ट्रांस आइसोमर है। और अभी अभी हमने देखा कि डायपोल मूवमेंट सिस का क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू द डायपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस। हमेशा याद रखें, जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उसकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी ज्यादा होगी। डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस किसकी ज्यादा है? सिस की, एज कंपेयर टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ ट्रांस। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एज कंपेयर टू, नॉट ऑलवेज ट्रू, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। तो मैं डायपोल मूवमेंट हमेशा चेक करना है, सीबीएसई में कभी फॉल्स नहीं होगा, टेंशन ना। ठीक, बेसिक कंसेप्ट में तुम्हें बता दिया है। अगर तुम्हारे पास आइसोमेरिक एल्कीन्स आ जाते हैं, आइसोमेरिक एल्कीन्स में तुमने क्या करना है? डायपोल मूवमेंट चेक करना है। जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उसका फोर्सेस भी क्या रहेंगे? ज्यादा। फोर्सेस ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? ज्यादा। डायपोल मूवमेंट हमने कैसे चेक किया है दोबारा से एक बार समझ लें। डबल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, दूसरे वाले के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव से नेगेटिव एक डायपोल, पॉजिटिव से नेगेटिव एक डायपोल, दोनों सेम डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। ट्रांस के अंदर अगर हम यही चीज अप्लाई करते हैं, डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव नीचे की तरफ, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऊपर की तरफ, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट ईच अदर। कोई दिक्कत? बताओ, करें नोट। लवन तुम कहां पहुंच गए? थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट।
बात तो एक ही है, इंग्लिश में लिखा हो गया, मैंने वो एक एक लाइन में करके लिख दिया है कि सिस्टा डायमंड ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट हमने एल्केन्स में भी कहा था कि दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक फोर्सेस और एक स्ट्रक्चर। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, सेम जैसे हमने एल्केन्स में किया था। पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एंड सेकेंड पैरामीटर इज स्ट्रक्चर। सेकेंड पैरामीटर क्या है? अब केस वन की बात करें, हमने वहां पे भी दो केसेस बनाए थे एल्केन्स में भी, यहाँ पे भी हम दो केसेस बनाते हैं। इफ डिफरेंट एल्कीन्स आर गिवन, इफ डिफरेंट एल्कीन्स आर गिवन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लैटिस स्ट्रक्चर बात एक है। इफ डिफरेंट एल्कीन्स आर गिवन, एल्कीन हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास, एल्कीन हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास will be having more intermolecular forces. Intermolecular forces को मैं IMF लिख रहा हूं। अगर तुम्हारे पास different different alkenes दे रखे हैं तो जिस alkene का molecular mass ज्यादा होगा उसके intermolecular forces भी क्या होंगी? Alkene having higher molecular mass will be having more intermolecular forces, hence more melting. कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लो तुम्हारे पास एक है C2H4, एक है C4H8, एक है C6H4, तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्सेस बढ़ रही हैं, फोर्सेस बढ़ रही हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। फिर केस टू की बात करते हैं, केस टू यहाँ पे भी अप्लाई होगा किसके बीच? अमंग आइसोमेरिक एल्कीन्स, among isomeric alkenes, isomeric alkenes मतलब जिसका molecular mass क्या हो? Same molecular mass. तो इसमें हम फिर से वही दो isomers उठा लेते हैं, एक cis और एक trans. ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने टेस्ट में डाल दिया क्वेश्चन, टेस्ट में डाल दिया ऐसा? सर एल्कीन से कल मूल कंसेप्ट का टेस्ट है, याद रखें क्लास के बाद, क्लास के बाद। अमंग आइसोमेरिक एल्कीन्स, ट्रांस एल्कीन हैज मोर सिमेट्रिकल एंड क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जो ट्रांस एल्कीन होता है वो हमेशा याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि जो ट्रांस एल्कीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ज्यादा सिमेट्रिकल एंड क्लोज पैक, ये याद ही करना पड़ेगा। किसी का नेटवर्क इशू है? अमंग आई मैंने वो किया हुआ ना, अगर कोई लीव करेगा तो अलग टोन बजेगी, फट जाएगा ऐसे पता नहीं चलता ना। Among isomeric alkene, trans alkene is more symmetrical and close packed structure. सब मैंने रखा हुआ है साथ के साथ, फोन घुमा दिया कि बच्चा क्लास में आया ही नहीं। Trans alkene has more symmetrical and close packed structure, hence trans alkene
will be having more melting point. Rehne do. नहीं एक्सेप्शन क्या बच्चे तो सिस और दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना फोर्सेस और स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रक्चर वाला पैरामीटर डोमिनेट कर जाता है तो सिंपल सा है अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्किन्स दे रखे हैं तब आप कंपेयर करेंगे यूजिंग द मॉलिक्युलर मास अगर आपको सेम एल्किन्स दे रखे हैं हैविंग द सेम मॉलिक्युलर मास एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा डायपोल मोमेंट चेक करना है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है मेल्टिंग पॉइंट में ऑलवेज ट्रांस will be having more melting point reason kya aayega hamesha ki bhi zyada symmetrical hai aur zyada closed packed structure rehta hai note kar le minutes abhi to main shant baith gaya bachche abhi tak ke bhai lag mute kar khatam ho gaya alkenes heading wale alkynes sir wo medium sabse dal ke आज आधा लेक्चर निकल गया क्लास संडे बस ठीक है बातें बंद Alkynes भी क्या हैं? These are unsaturated hydrocarbons. यार? हाँ ये आज नहीं होगा These are unsaturated hydrocarbons. Having a triple covalent bond, क्या होता है इसके अंदर ट्रिपल having a triple covalent bond and general molecular formula CN H2N minus क्या लिखा है तुमने CnH2n minus 2 ठीक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सबसे छोटा एल्काइन कौन सा होगा इथाइन सबसे छोटा एल्काइन कौन सा होगा इथाइन C2H2 सबसे छोटा कौन है इथाइन सिंपल गुड आउट इसको हम इथाइन बोलते हैं आईयूपीएसी में एंड कॉमन नेम इसका याद रखना पड़ेगा तुम्हें क्या होता है कॉमन नेम एसिटाइलीन क्या है एसिटाइलीन These are unsaturated hydrocarbons having a triple covalent bond and general molecular formula CnH2n minus 2. IUPAC name क्या है? Ethyne. And common name क्या है? Acetylene. आगे 4.9 पे है 5 के लिए ना मुझे मैंने कैलकुलेशंस करी हैं जो हम कैलकुलेशंस करते हैं अगर मुझे 5 तब मिलेगा जब वो रेटिंग 4.9 के आसपास चली जाए तब वो 5 शो करेगा तो उस 4.9 के लिए मुझे तकरीबन 20-25 रेटिंग और चाहिए यार तुम से कौन दिलवाई रुक के जाना है थोड़ा सा मानवी से भी दिलवाई सर एक बंदा तो चेंज भी नहीं कर सकता बाद में अब मैं भी डिलीट नहीं कर सकता अगर मेरे पास वो ऑप्शन होता तो मैं वो 0.3 वाली रेटिंग ना तुम अकेले मटवा तुम 4.5 डलवा दोगे सब मिल जाएगा नहीं
चलो समझो जितने भी अल्काइन्स हैं वो कैसे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद अ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला Cl एंड IUPAC इथाइन कॉमन नेम एसिटाइलीन और वेल्डिंग फ्यूल गैस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मोल कांसेप्ट में एक क्वेश्चन था याद आया वेल्डिंग फ्यूल गैस आगे करते नहीं नहीं 12th नहीं है 12th से तो ज़्यादा है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स हेडिंग डाले प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स सबसे पहला है बाय यूजिंग बाय hydrolysis of calcium carbide by hydrolysis of calcium carbide teen years calcium carbide kya hota hai CaC2 calcium carbide kya hota hai CaC2 34 35 देखो जो calcium carbide होता है कैल्शियम कार्बाइड के अंदर अगर हम पानी डालते हैं सिंपल तुमने क्या करना है इसमें पानी डालना है ठीक अगर इसके अंदर पानी ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा अच्छा मुझे एक बात बताओ कैल्शियम कार्बाइड में क्या क्या मिलता है कैल्शियम आयंस मिलते हैं और क्या मिलते हैं कार्बाइड आयंस ये होते हैं कैल्शियम आयन जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और ये क्या होते हैं कार्बाइड आयंस C2 चार्ज माइनस टू इसको हम क्या बोलते हैं कार्बाइड आयंस वाटर से हमें क्या मिल रहा होगा H प्लस और OH माइनस ये H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा इसके साथ ये OH माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये इंडस्ट्रियल मेथड है इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब इंडस्ट्रीज में यूज होता है प्रिपरेशन में इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब लार्ज स्केल में काम आता है स्मॉल स्केल में इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ये भी पानी की बोतल लग रहा था मुझे जब बोलता चलो बस प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो क्या मिल जाता है इथाइन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंपल आयन एक्सचेंज है कैल्शियम कार्बाइड में क्या होता है कैल्शियम आयन एंड कार्बाइड आयन वाटर के अंदर क्या होता है H प्लस है ये H प्लस इसके साथ ये OH माइनस इसके साथ तो क्या मिल जाएगा C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस नोट कर लें सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय डी हाइड्रो हैलोजिनेशन बाय डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ डायहैलाइड्स डायहैलाइड्स भी कौन से सिर्फ दो ही तरीके के
विसिनल डायहैलाइड्स, विसिनल डायहैलाइड्स कौन सा सेंटर का होता है बाई डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ डायहैलाइड्स कौन कौन से डायहैलाइड्स विसिनल या जेम पहले तो ये समझ लेते हैं कि विसिनल और जेम क्या होते हैं करें मैं जेम मैंने काफी जब दो हेलोजन लगे हों पड़ोसी पड़ोसी में जिन्होंने लिखा हुआ वो दोबारा ना लिखे विसनल क्या होते हैं बस सीधा रिएक्शन लिखना टू हेलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लग जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं विसनल जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लग जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं विसिनल और जेम डायहैलाइड्स क्या होते हैं टू हेलोजन ऑन सेम कार्बन टू हेलोजन ऑन सेम कार्बन जब हम एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं जेम डायहैलाइड क्लियर एक होता है विसिनल एक होता है जेम अगर एक कार्बन पर दो हेलोजन लगाओगे तो जेम पड़ोसी पड़ोसी वाले कार्बन पर हेलोजन लगाओगे तो वो विसिनल रहता है सिंपल अच्छा अगर हम ये अल्कीन के अंदर रिएक्शन रिवाइज करें थोड़ी सी हमने एल्कीन के अंदर ये पढ़ा था कि अगर हम एक डायहैलाइड हैलाइड लेते हैं और उसको हम केवेच एल्कोहलिक से रिएक्ट कराएं किससे रिएक्ट कराएं केवेच एल्कोहलिक से रिएक्ट कराएं तो डिहाइड्रोहैलोजनेशन होगी भी उसमें भी तो जिस कार्बन से हैलोजन लगाए उसको हम बोलते थे अल्फा कार्बन उसके पड़ोसी को क्या बोलते थे बीटा अल्फा से हैलोजन बाहर चला जाता था बीटा से क्या बाहर चला जाता था और दोनों में डबल बॉन्ड आ जाता था ऐसा ऐसा रिएक्शन किया था या नहीं अगर एक ही हेलोजन है तो डबल बॉन्ड आ रहा है अगर दो हेलोजन लगा दिए जाए तो क्या आ सकता है तो अगर अब हम दो हेलोजन लगा दें विसिनल डायहैलाइड ले लेते हैं क्या ले लेते हैं विसिनल डायहैलाइड ले लेते हैं अगर हम विसिनल डायहैलाइड ले लें 1.2 डाइक्लोरोइथेन अज्यूमिंग मैं यहां से शुरू करता हूं 1.2 डाइक्लोरो इथेन अगर मैं इसको केवेच एल्कोहलिक से रिएक्ट कराता हूं एक स्टेप में एक ही बार डिहाइड्रोहैलोजनेशन होती है ज्यादा बार ना कराएं ठीक है तो सीएल यहां से बाहर चला जाएगा कोई एक सीएल ले लो तुम्हारी मर्जी है कोई भी सीएल उठा लो तो हाइड्रोजन इस वाले से जाएगा पड़ोसी वाले से डिहाइड्रोहैलोजनेशन हो गई और क्या आ गया यहां पे डबल क्या आ गया यहां पे डबल कोई दिक्कत ये चीज समझ आई या नहीं कोई एक हैलोजन बाहर चला जाएगा और उसके साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा कोई दिक्कत अगर हम इसको दोबारा से केवेच एल्कोहलिक से रिएक्ट कराएं किससे रिएक्ट कराएं दोबारा से रिएक्ट कराएं केवेच एल्कोहलिक से तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्यों क्योंकि केवेच एल्कोहलिक बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगी केवेच एल्कोहलिक बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है तो दोबारा से हैलोजन को बाहर नहीं निकाल पाता तो अब हमें दोबारा से अगर हैलोजन बाहर निकालना है तो हमें इसको रिएक्ट कराना पड़ता है किसके साथ सोडामाइड के साथ किसके साथ सोडामाइड एक पावरफुल एजेंट है केवेच एल्कोहलिक का ऑल्टरनेटिव है ठीक है सोडामाइड यूज करते हैं सोडामाइड क्या करेगा दोबारा से डिहाइड्रोहैलोजनेशन करा देगा क्लोरीन यहां से और यहां से हाइड्रोजन और क्या बन जाएगा ट्रिपल दोबारा समझते हैं एक बार एल्कीन से शुरू करते हैं अगर हमारे पास एक नॉर्मल अल्काइल हैलाइड होता उसको हम केवेच एल्कोहलिक से रिएक्ट कराते तो हैलोजन बाहर जाता है और उसके पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है अब मैंने कहा कि ठीक है अगर एक हैलोजन से डबल बॉन्ड आ रहा है तो अगर क्या आपका कंपाउंड में दो हैलोजन हो तो क्या आ जाए ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है
तो हमने विसिनल डाइलाइड ले लिया। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन्स पे हैलोजन लगे हुए हैं। KOH एल्कोहलिक से कोई एक क्लोरीन कोई एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा एंड डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर हम इसको दोबारा से KOH एल्कोहलिक से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज KOH एल्कोहलिक इतना पावरफुल नहीं है कि इस क्लोरीन को बाहर निकाल पाए। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में है। क्यों नहीं बाहर जा रहा? क्योंकि ये रेजोनेंस में होता है तो इसीलिए इतनी आसानी से बाहर नहीं जाता है। खैर ये तो पॉइंट अलग हो गया, बस ये याद रखो कि KOH एल्कोहलिक यहाँ से बाहर दूसरी बार क्लोरीन को बाहर नहीं निकाल सकता। तो हमें कोई पावरफुल एजेंट चाहिए। पावरफुल एजेंट कौन है यहाँ पे? सोडा। सोडामाइड यूज कर सकते हो, सिर्फ सोडामाइड और कुछ नहीं। सोडामाइड यूज करोगे तो ये दोबारा से डिहाइड्रोहैलोजनेशन करा के यहाँ पे क्या बना देगा? एक अल्काइन जनरेट कर देगा। क्लियर या नहीं? कोई भी दिक्कत? सबको क्लियर? आसान है, नोट कर लें इसे। वो भी कराया है। ये सारे प्लस टू की रिएक्शन अभी कवर करनी है क्या? एल्कोहल्स की। तो प्लस टू में क्या करोगे? काफी छोड़ देंगे। नहीं कहीं होंगे तुम तो कर दे या पंप कर दे। छुड़वाया। जीओसी मतलब हाइड्रोकार्बन छुड़वा रहे हैं। क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा ना इस बार। इस सेशन में सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। सब छूट। अरे आगे सबसे ये मैं प्लस टू में पता क्या है, स्कूल भी तो देखना होता है ना। हमारे लिए दूसरी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, हम तो स्कूल्स भी देखने पता चलेगी 75 आए ना। अगर हम इसको KOH एल्कोहलिक से रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा नंबर ए। देखो अगर हम इसको KOH एल्कोहलिक से रिएक्ट कराते हैं तो हम इस क्लोरीन को बाहर निकाल लेते हैं, इसके पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। कोई एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन बाहर निकाल दे एंड अपने पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाए। कोई डाउट? लेकिन अब अगर स्टेप में सेकंड स्टेप में हमें क्लोरीन को बाहर निकालना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सोडा। क्या यूज करना पड़ेगा? सोडामाइड यूज करना पड़ता है ताकि वो दूसरी बार क्लोरीन को यहां से बाहर निकाल के यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे और क्या जनरेट हो पाए? एक अल्काइन जनरेट हो। ये भी ध्यान रखें अगर हम सोडामाइड ही यूज कर लेते हैं तो डायरेक्टली ये कंपाउंड बनाया जा सकता है KOH एल्कोहलिक को बाईपास करके। अगर हम डायरेक्टली सोडामाइड यूज कर लेते हैं तो डायरेक्टली इस कंपाउंड तक पहुंच सकते हैं, KOH एल्कोहलिक की यहां पे जरूरत नहीं है। क्लियर? कर ले नोट। मतलब ऐसा नहीं है कि KOH एल्कोहलिक यूज करना ही करना है, तुम फर्स्ट स्टेप में क्या डाल दो? सोडामाइड। डायरेक्टली वहीं पहुंच जाओगे। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। ठीक समझ आ गया? जब तक मन करेगा तब तक पढ़ाऊंगा। कल मेरी प्रेजेंटेशन है तो कल कुछ नहीं। आज मैंने क्लासेस लेनी थी तो मैं इसलिए रिसर्च के
पेटेंट कराएंगे अभी, अगली रिसर्च कराएंगे, वो किसी ने नहीं किया अभी तक, अलग ही है वो, खतरनाक है। चलो आगे, जो मेरी अगली रिसर्च है वो वाटर प्यूरिफिकेशन पे है कि आज नहीं तो आने वाले फ्यूचर में ऐसा ऐसा कहने को मिलेगा, मतलब हो सकता है कि मैं ऑफलाइन, मतलब शायद मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा आगे, हो सकता है अभी नहीं, मतलब आने वाले 5-6 साल बाद। ड्रॉप नहीं, ऑफलाइन का है बेसिकली, ऑनलाइन का है, क्या पता क्या चलता है। अच्छा वो भी बंद कर दोगे? वो तो बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। चलो आगे करते, अरे मजाक कर रहा हूँ, ऑफलाइन कोई बंद तो ना कर सकता है। चलो आगे करते, करें इसको फाइंड ए एंड बी। हाँ बिल्कुल सर, ये तो आपने इस बार बहुत पॉपुलरिटी होगी, बता सर वो सीरियस है, चलो देखो केवे चल कोहली में क्या होगा, केवे चल कोहली में क्या होगा, पहले एक ही HCl बाहर आएगा, अब जब हम सोडामाइड यूज करेंगे तो फिर डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा यहाँ पे, कितना आसान है बताओ, कोई दिक्कत इससे आसान कोई चीज हो सकती है क्या? तो मेरे से डाउट है, खाली बैठे कर लो नोट, करो इसे नोट कर ले फिर आगे करते हैं। चलो देखो आगे करते हैं, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय यूजिंग जिंक, बाय यूजिंग जिंक ऑन विसिनल टेट्राहेड्रल्स, टेट्राहेड्रल्स। देखो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक, हमने पहले ही एल्कीन्स में पढ़ी थी कि मान लो हमारे पास ये इस तरीके का एल्कीन है, क्या है, कुछ इस तरीके का एल्कीन है और इसको हम किससे रिएक्ट कराएं, जिंक के साथ, ठीक है। तो जिंक क्या करता है, यहां से दोनों हैलोजन्स को बाहर निकाल के ले जाता है, जिंक क्या करता है यहां से दोनों हैलोजन्स को बाहर निकाल के ले जाता है। अगर आपके पास विसिनल डायहैलाइड्स हैं, क्या है, विसिनल, तो जिंक क्या करेगा, इन दोनों हैलोजन्स को बाहर निकाल के ले जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल। कोई दिक्कत? ये अभी जंग डायहैलाइड ही तो था, इससे अभी जो ऊपर साइक्लिक वाला दिया था। अगर हम विसिनल टेट्राहैलाइड ले लें, टेट्राहैलाइड मतलब आप कितने हैलोजन लगा दें, चार चार हैलोजन लगा दें, कितने हैलोजन लगा दें, चार चार हैलोजन लगा दें और किससे रिएक्ट करा दें, सर एडिशन तो है नहीं, दो सिंगल, मतलब टेट्राहैलाइड होते हैं, विसिनल भी नहीं होते, जंग कहने को विसिनल बोल सकते हैं।
अगर हम चार चार हेलोजन वाले ले लेते हैं तो दो मोल जिंक लेने पड़ेंगे, कितने जिंक लेने पड़ेंगे, एक जिंक क्या करेगा यहां से बाहर निकाल देगा, एक जिंक क्या करेगा यहां से बाहर निकाल देगा, कोई डाउट? अगर एक बार क्लोरीन क्लोरीन बाहर आएगा तो डबल बॉन्ड, दो बार क्लोरीन क्लोरीन बाहर आएगा तो कितना आसान है बताओ, नोट कर लो इसे, कोई डाउट है किसी को ऑनलाइन में? साक्षी, ज्योतिका, निखिल, रवि? नो सर। ठीक, आदित्य क्लियर? कर ले yes. कर लिया? मोल कंसेप्ट का यही यहाँ पे भी, वहां पर रिलॉक्स, मोल एंड रिलॉक्स तुम लोग वहां पे दे देना, 11 बजे इंस्टीट्यूट खुल जाएगा, 11 से 7 खुला रहेगा, कभी भी दे देना। ग्यारह से सात है, प्रियंका ही लेगी टेस्ट। स्कीम तो मैं कल पूरा दिन कैमरा प्रियंका को कहा है कि शीट फाड़ देना चाहे अगर जरूरत पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं। ये थी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब एडिंग डालते हैं केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट का कोई ऐसा कंपैरिजन है नहीं क्योंकि सीस ट्रांस बन नहीं सकता, तो सीधा सीधा मास के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हम सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। सेम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन तीन ही है। फर्स्ट, आज एल्काइन खत्म कर देंगे, आधा घंटा और लगा देंगे, एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन्स। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन्स। अच्छा, ये टर्मिनल एल्काइन्स क्या होते हैं? कोने पे, जब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे होता है? कोने पे होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? अल्काइन्स इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, इज प्रेजेंट एट कॉर्नर। ऐसे अल्काइन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट होता है? कॉर्नर पे होता है। जैसे ये एक अल्काइन है टर्मिनल, ये वाला अल्काइन भी कैसा है? किसी भी कोने पे होना चाहिए, तो ये टर्मिनल अल्काइन है। या फिर हम ये कह सकते हैं अल्काइन्स इन विच ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन is attached with hydrogen, is attached with hydrogen। अब देखो अगर हम इसका structure बनाए तो ये triple bonded carbon है, ये किससे जुड़ा हुआ होगा? एक hydrogen से जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे alkynes को हम क्या बोलते हैं? terminal alkynes। क्या बोलते हैं? terminal alkynes। और एक होता है इंटरनल अल्काइन्स, एक कौन से होते हैं जो ऐसे नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं? जिनमें बीच में होता है, जैसे ये इंटरनल है,
ये अल्काइन कैसा है? इंटरनल, ठीक, या फिर ऐसा नहीं कि एकदम बीच में हो, कहीं पे भी हो, मतलब कोने पे नहीं होना चाहिए। अगर कोने पे नहीं है तो वो अल्काइन्स कैसे होते हैं? इंटरनल। और अगर कोने पे है तो वो अल्काइन्स कैसे होते हैं? टर्मिनल। करें नोट पहले तो ये कि टर्मिनल क्या है और नॉन टर्मिनल या इंटरनल क्या है। जब तक ये लोग नोट करते हैं, मानवीय टर्मिनल अल्काइन्स एसिडिक क्यों हो सकते हैं, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि, क्योंकि हेडिंग तो ये है एसिडिक नेचर ऑफ बाहर आता है। अगर H+ बाहर आएगा तो हमें स्टेबिलिटी प्रूव करनी होगी प्रोडक्ट की। सर मैं बताऊं, आज हाइड्रोजन डाल दें कोने पे, ऐसे तो मिथेन में भी होता है कोने पे, इथीन में भी होता है कोने पे, फिर वहां पे क्यों नहीं कहा? सर जो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड, तो ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, तो वो हमने कौन सा, लेकिन वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने कौन सा ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है? तो हाइड्रोजन का ही करता है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अंशुला का है, अंशुला ये जो टर्मिनल अल्काइन है ऐसे भी क्यों ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अच्छा बस वही आ रहा है, वो रिस्क तो पता नहीं बता नहीं देखने के लिए स्पेशल बता नहीं कर रहा है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आ तो रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है। चलो चलिए आगे। हाँ भाई, ऑनलाइन पूछते हैं बच्चे से पहले। रवि तुमसे डिस्कस करना है कुछ एक पॉइंट, ये टर्मिनल अल्काइन एसिडिक क्यों होते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं? सर रवि से आपको परमिशन नहीं मिल रही है सर, दोबारा पूछना। क्या हुआ रवि? सर दोबारा पूछना क्वेश्चन। दोबारा, जो टर्मिनल अल्काइन है वो एसिडिक क्यों है? पता नहीं सर। शार्दुल? यस सर। टर्मिनल अल्काइन एसिडिक क्यों है? सर वो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो H+ रिलीज करते हैं। चलो देखते चलो देखो बेसिकली अगर मुझे ये प्रूव करना है कि टर्मिनल अल्काइन्स एसिडिक हैं, तो मैं एक टर्मिनल अल्काइन ले लेता हूं, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर मैंने एच लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? एक टर्मिनल अल्काइन, ये क्या बन जाएगा? एक टर्मिनल। क्यों है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कोने पे है, हमने यही, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? HP लगा हुआ है, कंडीशंस फुलफिल्ड है। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि एसिडिक है तो मैं इसमें से H+ बाहर निकाल देता हूं, तो मैंने क्या किया, इसमें से H+ बाहर निकाला। कोई डाउट? अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं किसी तरीके से कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये स्टेबल है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि टर्मिनल अल्काइन्स कैसे हैं? एसिडिक, ठीक है। अब हमें ये ग्रुप बताएगा कि मैं इसको स्टेबल कैसे प्रूव कर सकता हूं। साक्षी, क्या ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लगा है किसी तरीके से स्टेबल प्रूफ हो सकता है ये कंपाउंड? सर वो बिना इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड होता है और तो रिअरेंजमेंट पॉसिबल है। ज्योति का sp ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है क्या वो स्टेबल प्रूफ हो सकता है किसी तरीके से? सर पॉजिटिव होता तो सर हो तो सकता ही होगा।
अरे सिंपल सी बात है कि ये जो कार्बन है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड। ये जो कार्बन है ये कैसा है sp हाइब्रिड हैविंग 50% s करेक्टर। कितना s करेक्टर? तो ये वाला जो कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर। तो ये जो कार्बन है ये कैसा है sp हाइब्रिडाइज मतलब 50% s करेक्टर मतलब ये कार्बन कैसा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस कैन इजीली अकोमोडेट नेगेटिव चार्ज, ये इजीली नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है तो ये काफी स्टेबल है। क्लियर? इसमें तुम लाइंस लिखोगे, पहले लिख लो रिएक्शन फिर मैं लिखवाता हूं। इसमें सिंपल सा है, हमें टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक प्रूव करना था तो हमने क्या किया यहां से H+ बाहर निकाल दिया और प्रोडक्ट को स्टेबल प्रूव कर दिया। अगर प्रोडक्ट को मैं स्टेबल प्रूव कर दूंगा तो रिएक्शन हो रही होगी, रिएक्शन तभी होगी ना जब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो स्टेबल। तो मैंने जो प्रोडक्ट बन रहा था उसको स्टेबल प्रूफ कर दिया कैसे कि भाई ये जो कार्बन है ये 50% s करेक्टर रखता है, 50% s करेक्टर के कारण ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है जिसके कारण ये इजीली H+ लूज, और अगर ये H+ लूज कर सकता है तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक। गुड डाउट आ रहा है समझ? नोट कर लो पहले रिएक्शन। लिख लिया ये, अब इसमें लिखो आगे फिर। ये लिख लोगे अपनी वर्डिंग में या लिखवाऊं पूरा? हो जाएगा कि भाई जो टर्मिनल अल्काइन्स है उसमें जो कार्बन है वो कैसा है 50% s करेक्टर होता है जिसके कारण वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इजीली नेगेटिव चार्ज पर अकोमोडेट, हेंस प्रोडक्ट इज स्टेबल। प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन बड़ी आराम से हो रही होगी। अगर रिएक्शन हो रही है तो वहां से H+ मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनल अल्काइन कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं। रिमूव हो तो गया बच्चे, हेलो हाँ जी हाँ जी चलो आगे करते हैं। ठीक, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ या अरेंज द कंपाउंड्स arrange given compounds, किसने कहा लास्ट क्वेश्चन? पता है क्या ऐसे में ना फिर जब अगर मन भी होना छोड़ देगा तब भी लगता है कि थोड़ा सा कराई देते हैं। अरे इसे given compounds in increasing order of acidic strength। अरे क्वेश्चन दो तीन बनते हैं तो तीन चार कहां से देते हैं। Arrange the given compounds in increasing order of their acidic strength. क्या अत्याचार हो गया तुम पे? है कोई दिक्कत? सर ऐसा होगा कि जितना कॉन्जुगेट बेस बस तुमने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। करें ट्राई। अरेंज दिस कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। बुला
सर पहले देते हैं हम वो पहले ही आएगा सर सबसे पैच वाला आएगा फिर सेकंड पास चलो देखें समझे इसे थर्ड तो सम्मिलन भी है सेकंड पास क्या था बाहर देखना भी है बस वेट एंड यू हॉस्टल अपना अरे क्या कर रहे हो भाई हम क्या करते हैं इन सब में से H+ बाहर निकाल के कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं है ना तो इसमें से अगर हम H+ बाहर निकाल देंगे खुला रहने दो दरवाजा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्या हो गया आस्था इतना तो कुछ हुआ भी नहीं इसमें दो दो हाइड्रोजन है तो किसी एक को बाहर निकाल देते हैं ठीक इसमें कितने हाइड्रोजन है क्या इसमें हाइड्रोजन है जो बाहर निकल सकता है नहीं ये तो टर्मिनल ही नहीं है तो यहाँ पे तो कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है अब ध्यान से देखें ये अपना बन गया सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये क्या बन गया अपना सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपना सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा है इलेक्ट्रॉन रिच अपना सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा है इलेक्ट्रॉन रिच अब हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो कॉमन है ना तो इसको तो भूल ही जाओ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो दोनों में ही है तो वो तो देखना ही नहीं है जो चीज कॉमन है वो नहीं देखनी हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है लेकिन मिथाइल इलेक्ट्रॉन देता है मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पहली इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो क्या कर देगा अनस्टेबल वो क्या कर देगा तो ये अनस्टेबल है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है ये फिर और ये तो एसिडिक ही बात ही करते क्लियर सबको कोई डाउट आदित्य साक्षी ज्योतिका क्लियर सर वो डाउट भी बता देना दोबारा बता देना नहीं सर वो डाउट तो क्लियर करने थे अच्छा अब अभी क्लास पसंद नहीं हुई टेंशन ना नहीं नहीं सर तुम 12 बजे नहीं आए थे चलो अगर अगर आ रहे इस रिएक्शन को सही कर देते तो छोड़ बहुत आसान है अगर किसी ने कुछ भी बोला बीच में तो दूसरा क्वेश्चन आएगा इससे अच्छा है कि वो इससे मुश्किल होगा अच्छा है कि यही करने दें इसे प्रोडक्ट बताना है हिट ये है कि एक टर्मिनल एल्काइन है और एक सोडियम है हाँ भी ध्रुव तुम्हारी बारी आज सबकी बारी आएगी इस क्वेश्चन में ध्रुव तुम्हारी अच्छा ऐसा भी है अरे भाई ये सिंपल सी रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बचपन की रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस मुझे लगा था अंशुला आंसर कर देगी लेकिन अंशुला अटक गई है तो ये एसिडिक है ना तो ये H+ बाहर चला जाएगा तो क्या बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड माइनस Na+
और साथ में क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, साथ में क्या मिल जाएगा, इसको हम प्यार से बोलते हैं सोडियम एसिटिलाइट, नहीं ये एसिटिलाइट नहीं होगा, ये तो प्रोपिलाइट होगा, तो ये नॉर्मल ब्रांड एसिटिलाइट वाले का नॉर्मल चलता है, ये तो 9-10 में एसिड एसिड रेसिड में करते हो, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन से यार सर सही था, सही किया था कोई डाउट, क्लियर है सबको, ये नीचे रिएक्शन लिख लें काम आती है। बाकी